शिवपुरी जिले के पोहरी विधानसभा में कांग्रेस जन आक्रोश रैली बैराड पोहरी होते हुए शिवपुरी जिले में पहुंची। सभा स्थल पर कुछ कांग्रेसियों में आपस में कहासुनी भी हो गई। इस विवाद में कांग्रेसी भाजपा की जगह खुद के कांग्रेसियों पर ही निशाना साधते हुए नजर आए। स्थिति यहां तक बन गई कि कांग्रेस के नेता आपस में ही एक दूसरे को कोसते हुए नजर आए, तो कुछ नेता मंच छोड़कर बीच कार्यक्रम में से ही घर के लिए चलते बने। जानकारी के अनुसार आज शिवपुरी जिले में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा पहुंची थी। SDFC बैंक के बाहर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को एक सभा संबोधित करना था, लेकिन इससे पहले शिवपुरी विधानसभा के उम्मीदवारों को बोलने दिया गया, लेकिन कुछ दावेदारों को पर बोलने का मौका नहीं दिया गया, जिसके चलते विरोध के स्वर उठना शुरू हो गए और देखते ही देखते विरोध इतना बढ़ गया कि मंचा सिंह तमाम पूर्व विधायक और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कार्यक्रम को बीच में छोड़कर मंच से नीचे उतर गए और तमाम तरह के आरोप कांग्रेसियों पर ही लगाते हुए नजर आए। बैराड आम सभा में भी कुछ देखने को ऐसा ही मिला। जिला प्रभारी रश्मि पवार द्वारा किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ता को भाषण तक नहीं देने दिया जा रहा है। वहीं उसी को ब्लॉक अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिला अध्यक्ष और प्रभारी OBC के होने चाहिए। बैराड से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। उतर के क्या कुछ मामला है? सारे प्रत्याशियों को बुलवाया है, सारे प्रत्याशियों को मौका दिया है मन से बोलने का। एक ही अधिकृत प्रत्याशी कर दिया गया उनके द्वारा। कौन है वो प्रत्याशी? कौन है जो अधिकृत आप हमने देखा होगा? हमारा भी आके बोलने का जिम्मत, हमारा भी, हमने भी कांग्रेस को बोल दिया। अध्यक्ष जाके हमने झंडे उठाए सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में कोई मतभेद है क्या? मतभेद तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस जो है गलत कर रही है। हमारा मत पिछड़ा वर्ग शिवपुरी जिले में हरजन आदिवासी का हमारा जो परसेंटेज है वो 85% है, लेकिन सामान्य वर्ग के कुछ लोग जो जिला अध्यक्ष बना दिए हैं, प्रभारी बना दिए हैं, ये कांग्रेस ने गलत नीति अपनाई है। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। कांग्रेस को अगर मध्य प्रदेश में सरकार बनाना है तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। कांग्रेस को पिछड़ा वर्ग, हरजन आदिवासियों को संगठन में जगह देकर जिला का अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग का, मैं आज मांग करता हूं पुरजोर कि जिला अध्यक्ष कांग्रेस का पिछड़े वर्ग का होना चाहिए। प्रभारी हमारा शिवपुरी जिले में जो भी बने वो पिछड़ा वर्ग का होना चाहिए, क्योंकि वोट हमारा है और शासन उच्च वर्ग के लोग बैठ के कर रहे हैं, वो गलत है। हम पिछड़े वर्ग को, हरजन को, आदिवासी को, ये लोग गलत नीयत से, गलत तरीके से ट्रीट करते हैं। वोट हम डालें और मीटिंग हम कराएं, मीटिंग में हम आएं, मीटिंग को हम सफल करें और चंद्र लोग अपनी बाह बाह लूटते हैं और लूट के चले जाते हैं, हम पर हुक्म करते हैं, जबकि हमारा वोट, हमारा परसेंटेज 85% से अधिक है। कांग्रेस को अगर सरकार मध्य प्रदेश में बनाना है तो कांग्रेस को पिछड़े वर्ग को महत्व देना होगा, हरजन को देना होगा, आदिवासी को देना होगा, तभी संभव है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार। अन्यथा कांग्रेस की सरकार बिना पिछड़ा वर्ग, हरजन, आदिवासी के नहीं बना सकती, नहीं बना सकती, नहीं बना सकती। जिले के जिला अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से और प्रभारी को तत्काल प्रभाव से, इनका व्यवहार बिल्कुल उत्तम अच्छा नहीं है, ये भेदभाव का व्यवहार कर रहे हैं, अनावश्यक डाटा ड्यूटी करते हैं और कोई काम नहीं है, और अपने लोगों को प्राथमिकता देते हैं और भाई भतीजावाद करके हम पिछड़ा वर्ग के, हरजन आदिवासियों को अपेक्षा करते हैं। हम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी से ये हम मांग करते हैं कि शिवपुरी जिले में पिछड़ा वर्ग का प्रभारी होना चाहिए और पिछड़े वर्ग का ही अध्यक्ष होना चाहिए, तभी पांचों सीट शिवपुरी जिले की जीतने की संभावना बनेगी। अन्यथा ये श्रवण वर्ग के लोग चारों तरफ मिले हुए हैं, BJP में भी मिले हैं, अन्य दलों में भी मिले हैं, केवल औपचारिकता करने के लिए कांग्रेस में आते हैं और मलाई खाकर चले जाते हैं। ऐसा जैसे सिंधिया और सिंधिया का परिवार इतने दिन तक कांग्रेस में मलाई खाता रहा और आज वही सिंधिया परिवार कांग्रेस को गालियां दे रहा है, कांग्रेसी के साथ धोखाधड़ी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है और 50% कमीशन खाने वाले लोगों के साथ आज सिंधिया सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, चुनी हुई सरकार को डाल रहे हैं, तो सिंधिया ईमानदार कहाँ हैं? सिंधिया का नारा है कि महल ईमानदार है, हम कहते हैं उसमें भी संदेह है।
मेल ईमानदार है तो 50% कमीशन खाने वाले सरकार को उन्होंने समर्थन क्यों किया, गलत किया है। और सिंधिया जी को पुनः विचार करना चाहिए कि ऐसे बेईमानों का साथ उन्हें नहीं देना चाहिए। जय हिंद, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस।